ये कप कप आती आवाज आपने पहले भी सुनी होगी, पहले भी आपने इसका दर्द महसूस किया होगा। वो आंसू जो बरबस बह जाते हैं उस वारदात को याद कर वो उसने पहले भी पियो होंगे, लेकिन 3 साल बाद वो लम्हा दर्द बनकर लौटा तो दिल दहल गया। रोहतक उसी कप कपाती आवाज में पूछ रहा है, आखिर ये दरिंदगी कब तक? पहले भी आपके साथ घटना घटी है? जी, वही 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 लोग वही थे। इस कपकपाती आवाज में जो दर्द है वो कलेजे को चीर डालता है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी वो 20 साल की छात्रा एक एक सच बताएगी। वो बताएगी कि कैसे उन 5 हैवानों ने उसकी जिंदगी नरक बना दी। वो बताएगी कि कैसे हवस के भूखे भेड़ियों ने उसके जिस्म के साथ रूह तक नोच डाली। और वो बताएगी कि 3 साल का जख्म कैसे नासूर बन जाता है। वो सब बताएगी, बस आपको खामोशी से सब सुनना पड़ेगा। मैं कॉलेज से निकल रही थी, थोड़ा आगे वही 5 लड़के थे। एक छात्रा के साथ 3 साल में 2 बार गैंगरेप। वही 5 लड़के थे गाड़ी में, जिनमें दो बार थे, 3 अंदर बैठे हुए थे। कॉलेज के बाहर से छात्रा को किया अगवा, फिर की हैवानियत। उन्होंने मुझे मैं थोड़ा देख के डर गई। 5 हैवानों ने 2 बार हैवानियत की हद पार की। उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल लिया। दरिंदों ने केस दबाने के लिए दिया 50 लाख का ऑफर। मेरी गर्दन दबा दी। हरियाणा की सबसे हाहाकारी स्टोरी। क्या हुआ? मैं कॉलेज से निकल रही थी, थोड़ा आगे वही 5 लड़के थे गाड़ी में, जिनमें दो बार थे, 3 अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे मैं देख के डर गई। उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल लिया। फिर मेरी गर्दन दबा दी और पीड़ित अपने साथ हुए दो बार गैंगरेप की कहानी खुद सुना रही है। वही लोग वही थे। इस कपकपाती आवाज में जो दर्द है वो कलेजे को चीर डालता है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी ये 20 साल की छात्रा बता रही है कि कैसे 5 हैवानों ने उसकी जिंदगी नरक बना दी। नहीं पता कहां ले गई। आपके साथ दुष्कर्म हुआ? जी हाँ। क्या हुआ? पहले भी आपके साथ घटना घटी है? जी, वही लोग वही थे। पहले कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। 5 थे, अब भी वही थे।
हरियाणा के रोहतक में इस छात्रा के इंसाफ के लिए आक्रोश फूट पड़ा। उन दरिंदों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है जिन्होंने इस मासूम के साथ 3 साल में 2 बार गैंगरेप किया। छात्रा दलित है और उसके लिए इंसाफ की इस जंग में दलित संगठन गरज रहे हैं। आईसी कॉलेज की दलित छात्रा के साथ 13 तारीख को एक बड़े ही गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया रोहतक जिले के अंदर, जिसमें मुख्यमंत्री का प्रोग्राम 2 दिन के बाद था, लेकिन उसके बाद भी आज तक सभी दोषी खुलेआम घूम रहे हैं, किसी की भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो पुलिस प्रशासन ने जो एफआईआर लॉन्च करनी थी उसमें भी हमें नहीं पता कि भाई किस दबाव के कारण ना तो उसके अंदर धारा 307 जोड़ी गई, ना ही उसके अंदर SC ST एक्ट जोड़ा गया, ना ही 195A जोड़ा गया। तो हमारी ये पुरजोर डिमांड है कि जितने भी दोषी है इस कांड के उन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए और फास्ट कोर्ट में उनका मुकदमा चलाया जाए। जिस छात्रा के साथ ये घटना घटी है उन छात्रों को पूरा न्याय मिलेगा और हमारी सरकार का बिल्कुल संकल्प है कोई भी कितना बड़ा दोषी हो, कितनी बड़ी उसकी पहुँच हो, वो गरीब से बाहर जा नहीं सकता। मैं आपके माध्यम से समाज को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम किसी भी कितना बड़ा गुंडा हो उसको जल्दी उसको छलाकों में भेजें। उसके लिए आरोपी की तलाश के लिए हमने भिवानी टीमें भेजी हुई हैं, लेकिन अभी तक अरेस्ट कोई नहीं हो पाया है। हाँ, लड़की ने हमें बताया कि 2013 में इन्हीं सेम लोगों ने उसके साथ यही रेप का इंसिडेंट किया था, जिसकी कार्रवाई वहाँ भिवानी में हुई थी, FIR लॉज हुई थी और जो अभी हाई कोर्ट में चल रहा है उनका मैटर। तो जो अक्यूज्ड हैं, लड़की ने हमें 5 अक्यूज्ड बताए। पीड़ित मासूम भिवानी की रहने वाली है और रोहतक के एक कॉलेज में BSc मैथ ऑनर्स कर रही है। 20 साल की यह दलित छात्रा रोहतक में किराए पर रहती है। 13 जुलाई को जब वो कॉलेज से निकली तो 5 दरिंदे उसे अपनी गाड़ी में उठा कर ले गए और उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। बेहोशी की हालत में सुखपुरा चौक के पास उसे झाड़ियों में फेंक कर फरार हो जाते हैं। ये तो जी, जो सुबह लड़की गई थी कॉलेज और ये 1 बजे वहाँ से छुट्टी करके आ रही थी, तो रास्ते में वो लड़कों ने मतलब उठा लिया मेरी लड़की को और हम मतलब 4 बजे से ढूंढ रहे थे लड़की को, कहीं नहीं मिली। वो 4 बजे तक कभी बाहर रहती नहीं थी, तो 6 बजे हमें मतलब ये कोई झाड़ियों में पड़ी हुई मिली थी। हम आपको बता दें कि इन्हीं दरिंदों ने साल 2013 में भी इसी छात्रा के साथ गैंगरेप किया था। इन 5 दरिंदों के खिलाफ पीड़ित लड़की और उसके परिवार ने भिवानी में FIR दर्ज कराई, लेकिन 5वां आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गए। अब इन 5 हैवानों ने पीड़ित लड़की और उसके परिवार पर 50 लाख में केस रफा दफा करने का दबाव बनाया, लेकिन खुद्दार लड़की और घर वालों ने इस समझौते से इनकार कर दिया। हम यही लिखित में दिया है, 5 बंदे हैं, उन्होंने धमकी दे रखी है, वो या तो केस वापस ले लो, तेरे भाई को भी और तेरे बाप को भी, तेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। हाँ, और भाई को मारने की धमकी तो इसी तरह दी है, आज ही तेरे भाई का तो लास्ट दिन है, तेरे बाप का भी। समझौता जो पहले केस हुआ था, पहले 3 साल पहले लड़की को उन बंदों ने उठाया था और उठा के उसका वो गैंगरेप किया था, तब से डरी हुई थी लड़की। जरूरत तो देखिए, 5 दरिंदे 3 साल पहले एक छात्रा के साथ रेप करते हैं, जेल जाते हैं और जेल से जमानत पर आने के बाद उसी छात्रा को फिर से हैवानियत का शिकार बनाते हैं। हरियाणा की यह हाहाकारी हकीकत हिला देने वाली है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। रोहतक की यह रोदन कथा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पुलिस की थ्योरी और केस की पेचीदगी के बारे में, तो जल्द हाजिर होते हैं। पहले भी आपके साथ घटना घटी है? जी, वही 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 लोग वही थे।
कौन है वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। खेतों में खुशहाली लाए, भोपाराए भोपाराए, घर घर पानी पहुँचाए, भोपाराए भोपाराए, सालों साल चलता ही जाए, भोपाराए भोपाराए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज, सालों साल चलने वाला भोपाराए मोटर स्टार्टर। The Resorts, NH65, बरवाला रोड, विलेज तलवंडी, राणा, हिसार। मोडेस्टो कंपनी का मोजेंट पत्ता लपेट तना छेदक और गोब की सुंडी आदि हानिकारक कीटों से फसलों की संपूर्ण सुरक्षा करता है, जबकि ग्रोविटा गोल्ड उनमें अच्छे फल व फूल बनने में सहायता करता है और ज्यादा पैदावार दिलाता है। मोजेंट व ग्रोविटा गोल्ड का विश्वास, हानिकारक कीटों से सुरक्षा, फसलों का संपूर्ण विकास। मोडेस्टो नाम है विश्वास का। पिछली बार जो नरमे थे, चिट्टी मक्खी आई, मच्छर आया, उसका करके नुकसान से जो ग्लीव और चटान दवाई छिड़की ला के उसका अच्छा रिजल्ट मिला हमारे को, बहुत बढ़िया रहा। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगीराज श्री बाबा तारा जी की कुटिया में नानी बाई रोमायरो दिनांक 27 से 29 जुलाई 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक सिरसा में पहली बार शिव कथा का आयोजन भी किया गया है। दिनांक 30 से 31 जुलाई 2016 3:30 बजे से 7 बजे तक यहां कथा व्यास के लिए पधारेंगी विश्वविख्यात जया किशोरी जी। विशाल भंडारा 1 अगस्त 2016। स्थान श्री बाबा तारा जी की कुटिया तारकेश्वरम धाम सिरसा। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। खेतों में खुशहाली लाए, भोपाराए भोपाराए, घर घर पानी पहुँचाए, भोपाराए भोपाराए, सालों साल चलता ही जाए, भोपाराए भोपाराए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज, सालों साल चलने वाला भोपाराए मोटर स्टार्टर। लार्जेस्ट कैंपस, मोर देन 1800 स्टूडेंट्स, वेल इक्विप्ड वर्कशॉप्स एंड लैब्स, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. पहले भी आपके साथ घटना घटी है? जी, वही, वही, वही लोग वही थे। इस मामले में तीन थ्योरियां हैं। एक पीड़ित पक्ष की, जो कहती है कि 3 साल में दूसरी बार गैंग रेप हुआ और आरोपी भी हूबहू वही है।
दूसरी थ्योरी आरोपियों की, जिन्होंने पुलिस को पूछताछ में सबूत दिया है कि वो वारदात के वक्त वहां थे ही नहीं, और तीसरी पुलिस की, जो कहती है कि पिछली बार लाई डिटेक्टर टेस्ट के बाद भी वो आरोपियों पर आरोप सिद्ध नहीं कर पाए थे। तो सच क्या है? पहले भी आपके साथ घटना घटी है? जी, वही 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 लोग वही थे। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी ये वही लड़की है जिसके साथ हुई ज्यादती की कहानी ने पूरे हरियाणा में भूचाल ला दिया है। रोहतक की इस लड़की के साथ 3 साल के दरमियान उन्हीं 5 लड़कों ने दोबारा गैंगरेप किया जिन्होंने पहली बार इसके साथ ज्यादती की थी। इल्जाम है कि संगीन मामले के 5 मुजरिम मामले को वापस लेने का दबाव बना रहे थे और जब इसने इनकार कर दिया तो उन्होंने दोबारा वही घिनौनी हरकत दोहराई। हम यही लिखित में दिया है भी 5 बंदे हैं, उन्होंने धमकी दे रखी है, वो या तो केस वापस ले लो, तेरे भाई को भी और तेरे बाप को भी, तेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। हाँ, और भाई को मारने की धमकी तो इसी तरह दी है, आज ही तेरे भाई का तो लास्ट दिन है, तेरे बाप का भी। समझौता जो पहले केस हुआ था, पहले 3 साल पहले लड़की को उन बंदों ने उठाया था और उठा के उसका वो गैंगरेप किया था, तब से डरी हुई थी लड़की। लेकिन अब मामले की नए सिरे से तफ्तीश हो रही है, कई अहम खुलासे सामने आए। दोबारा गैंगरेप मामले में चौंकाने वाला खुलासा, लड़की का गैंगरेप कर बनाया था अश्लील वीडियो। वीडियो से पीड़िता को ब्लैकमेल करने का इल्जाम, अपनी सहेली पर भी लगाया था पीड़िता ने इल्जाम। पहले मामले में पुलिस ने 4 को दी थी क्लीन चिट, आरोप है कि साल 2013 में अंजाम दिए गए गैंगरेप में उन 5 आरोपियों के साथ एक लड़की भी थी जो पीड़िता की दोस्त थी। लेकिन उसी ने धोखे से पीड़िता को अपने दोस्तों के हवाले कर दिया था। तब पीड़िता ने उन 5 लोगों के साथ कुल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने उस वक्त 2 ही लोग अमित और जगमोहन को गिरफ्तार कर जेल भेजा जबकि बाकी 4 को क्लीन चिट दे दी। यहां तक कि चार्जशीट में भी किसी का नाम नहीं लिया गया। ऐसे में सभी आरोपियों का हौसला बढ़ गया। नहीं पता का कान ले गई। आपके साथ दुष्कर्म हुआ? जी। हाँ? क्या हुआ? खुल के बोल ले बेटा, खुल के बोल ले। पहले भी आपके साथ घटना घटी है? जी, वही 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 लोग वही थे। पहले कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। 5 थे, अब भी वही वही थे। मासूम का कहना है कि पहली बार गैंगरेप के दौरान आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया था जिसकी एवज में उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। 13 तारीख की घटना थी, 5वां दिन है, न तो कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ है, न पुलिस हमारा सहयोग कर रही है। हम तो अब अंदर से कुंडी लगा के बड़े डरे और सहमे हुए हैं। हमारे परिवार के साथ दोबारा से हादसा हुआ है, तीसरी बार भी हो सकता है। उन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं, वे लोग दबंग हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमें न्याय चाहिए। हम डरे और सहमे हुए हैं, इसलिए हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमें जल्द से जल्द
न्याय दिलाएं और आरोपियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। उधर पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पिछली बार मामला सामने आने के बाद जब तफ्तीश की थी तो अमित और जगमोहन के सिवाय उन्होंने किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिला। यहां तक कि तब आरोपी लड़की और एक लड़के आकाश का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी लिया गया था लेकिन नतीजा सिफर रहा। देखिए उसको गिरफ्तारी नहीं कह सकते लेकिन दो लोग शामिल तफ्तीश हुए हैं, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन किया है और उन्होंने भी कुछ अपने डिफेंस में बातें रखी हैं, तो आप उसको उस तरह से लें तो उसमें पुलिस जांच कर रही है कि क्या सच्चाई है, क्योंकि ये जब हमने पिछला मैटर देखा तो उसमें भी कुछ 164 स्टेटमेंट दो बार हुआ है जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी है, दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं है, FIR किसी और स्टेटमेंट पे कुछ उसमें कंटेक्स्ट है, उसके बाद 164 हुआ उसमें कुछ अलग वर्जन दिया गया है, दूसरा 164 हुआ उसमें कुछ अलग वर्जन दिया गया है, तो पिछली जो वहाँ पे जो चार्जशीट हुआ है उसकी डिटेल भी हमने भिवानी से ली है और हमारी टीम अभी भी भिवानी गई हुई है वहाँ पे वो और इसमें डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं, तो जल्दी ही हम इसमें सच्चाई सामने ला के कार्रवाई करेंगे। इस बार दोबारा गैंगरेप के सिलसिले में फिर से अमित और जगमोहन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है लेकिन पुलिस की माने तो दोनों ने अपनी बेगुनाही का सबूत देते हुए कुछ ऐसे CCTV फुटेज सौंपे हैं जिनमें वो वारदात में बताए गए वक्त में कहीं और नजर आ रहे हैं। ठीक उसी तरह पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर दिन दहाड़े करीब 1:30 बजे कैसे आरोपियों ने एक लड़की को बीच सड़क से अगवा कर लिया और लोगों की नजरें नहीं पड़ी। जाहिर है कि मामला बेहद संगीन है, ऐसे में मामले की सच्चाई से पर्दा नहीं हटता तब तक पुलिस भी सवालों के घेरे में खड़ी रहेगी। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। झूठ कितनी ही परतों में दफन रहे वो सामने आ ही जाता है और सच को कितना भी दबा लो वो बोल ही देता है। इस वारदात का सच और झूठ पाप पापियों और पुलिस की थ्योरी पर केंद्रित है। खैर आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पहले भी आपके साथ घटना घटी है? वही 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 लोग वही थे।